पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ लगाएंगे दम। आज मुरादाबाद, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में ताबड़तोड़ प्रचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का भी आज धुआंधार प्रचार। हस्तिनापुर, मथुरा और खैरागढ़ में घर घर जाकर मांगेंगी वोट। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की आज दोपहर 12 बजे लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव की पार्टी के लिए मांगेंगी वोट। यूपी में पहले फेज के चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार। 10 फरवरी को 11 जिलों के 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मैदान में हैं 623 उम्मीदवार। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज गोरखपुर से भरेंगे पर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सिराथू से समाजवादी पार्टी गठबंधन की उम्मीदवार पल्लवी पटेल आज करेंगी नामांकन। 4 से 5 सीट पर चुनाव लड़ेगा अपना दल के। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का मिशन पंजाब। आज दोपहर 1 बजे नवाशहर में करेंगी रैली। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे का आज तीसरा दिन। सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए दोपहर 12:30 बजे बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे जनसभा। गृह मंत्री अमित शाह का हैदराबाद दौरा। शाम 6 बजे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी पर संत रामानुज आचार्य को श्रद्धांजलि देंगे और समारोह को करेंगे संबोधित। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी की कोर्ट में पेशी। आज खत्म हो रही है ईडी की हिरासत। कर्नाटक में हिजाब पर विवाद जारी। सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। सरकार ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कपड़ों पर लगाई थी रोक। यूपी के कासगंज पुलिस की हिरासत में युवक की मौत के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। यूपी सरकार आज स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। दिल्ली के दंगों पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। साल 2020 में CAA NRC कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुए थे दंगे। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में आज आ सकता है फैसला। 2008 में एक घंटे के अंदर 21 धमाकों में 56 लोगों की हुई थी मौत। लोकसभा के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11:30 बजे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का देंगे जवाब। सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में यूपी में बीजेपी गठबंधन को बहुमत लेकिन 100 सीटों के नुकसान का अनुमान। बीजेपी गठबंधन को 225 से 237 और एसपी गठबंधन को 139 से 151 सीटें मिल सकती हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर। पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी। गोवा, मणिपुर में सत्ता विरोधी लहर का अनुमान। यूपी के बिजनौर में पीएम मोदी की वर्चुअल रैली, विपक्षी दलों पर निशाना। कहा, जो लोग जात पात के नाम पर वोट मांग रहे हैं वो सत्ता के नाम पर सिर्फ परिवार का ख्याल रखते हैं। विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था, ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में, उनके करीबियों में। प्रधानमंत्री मोदी की फिजिकल रैली रद्द होने पर सियासत तेज। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी बोले, बिजनौर का मौसम ठीक लेकिन बीजेपी का मौसम खराब है। मैं आज मौसम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं निकल पाया। खराब मौसम की वजह दी जा रही है लेकिन एक्चुअल वजह है कि जगह जगह विरोध हो रहा है। बिजनौर में सीएम योगी ने फिर किया मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र। अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, पहले दंगा माफिया पलायन था यूपी की नियति लेकिन बिजली के मुद्दे पर कहावत है ना, चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती है। वे डकैती इसी में डलवाते थे। विकास के कार्यों में डकैती हो, अराजकता हो, राहजनी हो, छिनेती हो, ये उसी अंधेरे में वे लोग डलवाते थे।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बीजेपी को बताया सबसे बड़ी झूठी पार्टी, कहा बीजेपी का जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ, बीजेपी जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता है उतना बड़ा झूठ बोल रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, उससे बड़ा नेता है तो उससे बड़ा झूठ बोल रहा है, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में ममता बैनर्जी की एंट्री पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का तंज, कहा दीदी बंगाल में यूपी वालों को गुंडा कहती हैं, अखिलेश दीदी की अगवानी कर रहे हैं, यानी क्रोनोलॉजी समझिए। समाजवादी पार्टी ने 24 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर से स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला की पत्नी शुभावती शुक्ला को चुनाव का टिकट दिया गया है, दयाशंकर के खिलाफ नारद राय को उम्मीदवार बनाया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले आपकी सरकार बनी तो उत्तराखंड को हिंदुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक राजधानी बना देंगे, हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, इससे पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पे टूरिज्म जो है वो बहुत बड़े स्तर के ऊपर बढ़ेगा और इससे हमें उम्मीद है कि हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा। गोवा में टीएमसी ने गृह मंत्री अमित शाह और सीएम प्रमोद सावंत के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की, चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए पीएम का कांग्रेस पर वार, कहा कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मुंबई में मजदूरों को मुफ्त टिकट देकर पलायन के लिए उकसाया, जिससे कोरोना तेजी से फैला, कांग्रेस ने भी किया पलटवार। कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया। कांग्रेस पार्टी देश में कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार है, ये बड़ा हास्यास्पद वक्तव्य है। मुझे बताइए भारतवर्ष में जो कोरोना आया है उसके जिम्मेदार कौन है, अगर मैं पूछूंगा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीएम मोदी के भाषण पर तंज, कहा हुक्मरान ले आए हैं मुल्क को ऐसे हाल में, अब किसी को यकीन नहीं रहा उनकी बातों में। ओवैसी पर हमले खुले कर संसद में अमित शाह ने कहा प्रशासन को नहीं थी कार्यक्रम की जानकारी, ओवैसी ने फिर सुरक्षा लेने से इनकार किया। उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनंती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले। असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत, वो जो उत्तर प्रदेश के CAA के प्रोटेस्ट में 22 लोग मारे गए उनसे बढ़ के नहीं है। त्रिपुरा में बीजेपी को झटका, बीजेपी विधायक सुदीप रॉय बर्मन अपने करीबी आशीष कुमार साहा के साथ विधायक पद से इस्तीफा दिया, बीजेपी छोड़ी। कर्नाटक में उडुपी के पीयू कॉलेज में हिजाब भगवा गमछे पर प्रशासन की पहल, हिजाब पहनकर आई छात्राओं को स्कूल में एंट्री दी गई लेकिन अलग क्लासरूम में बिठाया गया। कर्नाटक के हिजाब विवाद के बीच पीयू कॉलेज के पास से दो संदिग्धों को पकड़ा गया है, दोनों से गैर कानूनी हथियार बरामद, पुलिस कर रही है साजिश के एंगल से जांच। पंजाब में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपिंदर सिंह हनी का कबूलनामा, ईडी का दावा, हनी ने पूछताछ में कहा बालू खनन और तबादलों के लिए 10 करोड़ रुपए नकद मिले। ABP News आपको रखे आगे।